शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड को लेकर बहुत ड्रामा चल रहा है। मूवी फ्लॉप हो चुकी है, एक्टर्स और डायरेक्टर बगाड़ पर उतर आए और फ्रेंचाइजी का फ्यूचर अनसर्टन दिख रहा है। आपको याद दिला दूं कि शज़ाम डीसी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक थी। फिर शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के साथ ऐसा क्या हो गया कि मूवी इतनी बुरी तरह से पिट गई, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ $60 मिलियन की ओपनिंग ली थी। इतना ही नहीं, पहले हफ्ता खत्म होते होते मूवी का कलेक्शन सिर्फ $70 मिलियन को ही क्रॉस कर पाया था। वैसे देखा जाए तो ये ओपनिंग इतनी भी खराब नहीं, पर सेकंड वीकेंड में बहुत बड़ा ड्रॉप मिला है, ऑलमोस्ट 69%। तीन हफ्ते के बाद मूवी सिर्फ $120 मिलियन ही कमा पाई है और फाइनल टैली का $150 मिलियन तक भी जाना मुश्किल लग रहा है। अब इस मूवी का फ्लॉप होना काफी सुपर हीरो फैंस और एनालिस्ट के लिए शॉकिंग है। पहली शज़ाम एक स्लीपिंग हिट साबित हुई थी। फिल्म को सिर्फ $100 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने $460 मिलियन के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। शज़ाम 2 का बजट $125 मिलियन कोट किया जा रहा है और मिनिमम $50 मिलियन तो एडवर्टाइजिंग में खर्च किए गए होंगे, मतलब स्टूडियो ने मूवी पर टोटल $175 मिलियन खर्चा किए। अगर मूवी $150 मिलियन कमा लेती है तो स्टूडियो को मैक्सिमम $80 मिलियन मिलेंगे, मतलब $95 मिलियन का लॉस। प्रॉफिट तो छोड़ो, ये डीसी की बिगेस्ट फ्लॉप मूवी बन चुकी है, पर इसकी कई वजहों में से एक वजह मूवी की रेटिंग भी है। ऑडियंस ने फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को बहुत प्यार दिया। इस मूवी का ऑडियंस स्कोर 86% तक चल रहा है, पर क्रिटिक्स और ऑडियंस मूवी को लेकर एक पगड़े में नहीं थी। इंटरनेशनली ऑलमोस्ट सभी क्रिटिक्स ने मूवी की जमकर धुलाई की। इसी कारण रोटेन टोमेटो पर शज़ाम 2 को सिर्फ 50% की रेटिंग मिली है। अब इतनी रेटिंग मूवी डिजर्व करती है या नहीं, ये तो डिबेटेबल है, पर मूवी के रेटिंग ने बॉक्स ऑफिस में खड्डा जरूर किया है। रिसेंटली डीसी मूवीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर हम पिछली 3 डीसी मूवीज की बात करें तो लगभग तीनों फ्लॉप साबित हुई है। पिछले साल ब्लैक एडम आई थी जिसे $200 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और फिल्म की फाइनल बॉक्स ऑफिस टैली सिर्फ $393 मिलियन रही। वही इससे पहले द सुसाइड स्क्वाड और वंडर वुमन 1984 रिलीज हुई थी, जिन्होंने रिस्पेक्टिवली $168 मिलियन और $169 मिलियन कमाए। वैसे ये दोनों मूवीज HBO मैक्स और थिएटर में एक साथ रिलीज की गई थी, इस वजह से इन्हें हम ट्रेडिशनल फ्लॉप के लिस्ट में नहीं डाल सकते। पर इन्हीं के साथ कुछ और मूवीज भी इसी मॉडल पर रिलीज की जा चुकी है और उनका कलेक्शन इस मूवीज से ज्यादा अच्छा था। डीसी मूवीज का फ्लॉप शो फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के साथ भी नहीं थम्बा। कुछ लोग इस मूवी के फ्लॉप की वजह जेम्स गन के नए रिबूट को बता रहे हैं। वैसे आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और शज़ाम जेम्स गन के नए डीसीयू का हिस्सा नहीं है। जेम्स गन ने जनवरी महीने में ही अपने नए डीसी के स्लेट को अनाउंस कर दिया था। उस स्लेट में सभी नई मूवीज ऐड की गई। पुराने डीसीयू को द फ्लैश के साथ खत्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से कई फैंस को शज़ाम 2 से ज्यादा उम्मीदें थी नहीं। खुद स्टूडियो भी जानता था कि ये मूवी फ्लॉप होने के कगार पर है और इसीलिए मूवी के एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्या जेम्स गन की वजह से शज़ाम फ्लॉप हुई? आपको इस बारे में लगता है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। डायरेक्टर और एक्टर ने भी मूवी के रिलीज होने के पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। एक रेडिट पोस्ट पर जब मूवी के फ्लॉप शो के बारे में डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग से पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि उन्हें तो उनकी फीस मिल चुकी है, मूवी का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा कितना रहता है इससे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब खुद मूवी के डायरेक्टर ही इस तरह से बात कर रहे हैं तो थिएटर को कौन ही जाना चाहेगा। डेविड सैंडबर्ग ने यह भी बताया कि वो आगे से सुपर हीरो मूवीज बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। खुद जैकरी लिवाय भी मूवी के प्रमोशन में काफी खुल के बोलने लगे। उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने का भांडा ड्वेन द रॉक जॉनसन पे फोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुपर हीरो मूवीज के गॉडफादर केविन फाइगी को भी अपने एमसीयू रोल के लिए क्रिटिसाइज किया और शायद ये बातें फैंस के पल्ले नहीं पड़ी, जिस वजह से फैंस ने इस मूवी को अवॉइड करने का फैसला ले लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फ्लॉप क्यों हुई? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस तरह की और बॉक्स ऑफिस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।